let us look at some of the questions based upon the discussion of your revision test data. आपका जो सबसे पहला स्टार्ट हो रहा है दिस क्वेश्चन नंबर 1 to 8 दीज आर बेस्ड अपॉन द असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस चूज द राइट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग चूज ए ऑप्शन इफ असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड योर एक्सप्लेनेशन ऑफ इज रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन चूज द ऑप्शन बी इफ असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट and reason is not the correct explanation of the assertion and third type mein assertion is correct but the reason is wrong thank you bete assertion correct hai lekin reason jo hai wo correct nahi hai reason galat hai aur teesri baat beta aapka jo hai assertion is wrong but reason is correct aur fifth case hai assertion reason both are wrong statements beta हाँ? तो मे बी उन्होंने जो भी किया है नो प्रॉब्लम बेटा पहला असर्शन है वर्क डन बाय द फील्ड ऑफ ए न्यूक्लियस इन ए कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जीरो इवन इफ द ऑर्बिट इज एलिप्टिकल रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर बेटा बेटे जब भी हम वर्क डन की बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका जो होगा उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल पाथ में सेम होगा सेकेंडली जैसे उन्होंने ऑलरेडी लिखा ही हुआ है कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी हुआ है कि ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस इन नेचर होती हैं और इसीलिए जो वर्क डन है दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो तो इसका आपका असर्शन भी करेक्ट है और रीजन जो है वो भी करेक्ट है तो वी हैव टू चूज ए ऑप्शन बेटे राइट डियर चिल्ड्रन एंड इसके बाद आपके पास बात आ जाती है बेटा वन मे हैव जीरो पोटेंशियल बट नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द स्पेस जीरो पोटेंशियल बट विट ए नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस रीजन पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी एक मैं रिलेशनशिप लिखना चाहूंगा बेटा आपने कभी पढ़ा होगा ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी डी वी बाई डी आर पोटेंशियल ग्रेडियंट आप इसको बोलते हो ना बेटा अब आपको उन्होंने कहा है कि वन में हैव जीरो पोटेंशियल बट नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द स्पेस विद इट जब भी आप जीरो पोटेंशियल की बात करोगे जीरो पोटेंशियल होना चाहिए बट फील्ड जो है वो नॉन जीरो हो जाना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है बिल्कुल ठीक है जैसे इमेजिन कर लीजिए एक मैं ये यहाँ पे रेलेवेंट एग्जांपल इसका नहीं होगा आपके पास मान लीजिए एक माइनस क्यू चार्ज है एक प्लस क्यू चार्ज है सिंपल एग्जांपल लेकर आपको ये जस्टिफाई करके बता रहा हूं मैं और ये आपका एक तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला सिस्टम बन गया बेटा एंड हेयर इट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस डाइपोल और आपने क्या किया यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया ओवर हियर दिस पॉइंट इस पॉइंट पे बेटे देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा आप निकाल लोगे अगर मैं इस डिस्टेंस को एक्स बोल दूं ये वाला जो है पी पॉइंट पे पोटेंशियल बच्चों पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो है ये बन गया 1/4 πε0 q/x बन गया जी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं इसमें पुत्र और नेगेटिव चार्ज की वजह से बेटे हमारा पोटेंशियल कितना बन गया जी दिस इज 1/4 πε0 − q/x अगर आपका ये डिस्टेंस भी एक्स है अगर आप इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रहे और बेटे नेट पोटेंशियल आपका पी पॉइंट पे दोनों की वजह से ऑब्वियसली जीरो हो गया जस्ट बिकॉज आपका पोटेंशियल स्केलर था लेकिन
अदरवाइज अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटे बात करूं तो आई विल हैव टू प्लेस यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर, ये पॉजिटिव इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पुत्र जी रिपेल करेगा, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E1 हो जाएगी जी, राइट। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, राइट। ये बड़ा चार्ज है ना, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको बेटे मैं बोल देता हूँ E2। इनके बीच में कुछ एंगल है छोटा मोटा, जो भी होगा एंगल कुछ ना कुछ तो होगा ना, और ये आपके पास E1 cos थीटा, इसका कंपोनेंट E2 cos थीटा, E1 और E2 बराबर ही हैं, इट विल बी 2E cos थीटा। अब यहां पे डेफिनेटली डायरेक्शन आ रही है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट पर, जैसे हमने ये एग्जांपल लेकर चूज किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मे बी जीरो बट आपका फील्ड जीरो जरूरी नहीं है कि हो। इसका बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आपके सामने ही है, स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से ये जीरो हो गया है, और ये क्योंकि स्केलर नहीं है ये जीरो नहीं है, इसका नॉन जीरो होना इसके वेक्टर नेचर की वजह से ही है। सो इन दिस वे बेटा आप इतना जरूर कह सकते हैं कि इस केस में आपका ये जो आपका असर्शन है वो ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, वो किस और चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इट मस्ट बी योर बी ऑप्शन बेटा, राइट। तीसरा बेटे है असर्शन, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन इट विल बी जीरो। डाइपोल को फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हो तो फोर्स तो नेट तो जीरो ही होता है। अगर आपका ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने मान लिया पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे है, डाइपोल आपने ऐसे रखा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इस पे फोर्स इधर लग गया, इस पे इधर लग गया, इसको और इसको ऐड कर लो, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आपका नेट फोर्स बेटा जो है इट विल बी जीरो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और आपको उन्होंने आगे बेटे दिया है रीजन, फोर्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट चार्जेस ऑफ द डाइपोल विल बी इक्वल एंड अपोजिट व्हेन इट इज इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटे बिल्कुल सही बात है ये, आपका जो एक चार्ज है पॉजिटिव वाला, इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, नेगेटिव वाले पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो तभी तो आपका नेट फोर्स जीरो आ रहा है बेटा। इट विल क्लियरली मीन दैट आपका असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और आपका ये ए ऑप्शन बन जाना चाहिए, राइट। फोर्थ प्रॉब्लम है बेटा असर्शन, पोटेंशियल ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट मे बी नेगेटिव, पोटेंशियल ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट मे बी नेगेटिव, रीजन पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑफ द कंडक्टर। यहां पे थोड़ा समझने वाली बात है, असर्शन है पोटेंशियल ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर मे बी नेगेटिव, और रीजन दिया है पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑफ द कंडक्टर। ये पोटेंशियल जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट का नेगेटिव किन कंडीशंस में हो सकता है? कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, इसका पोटेंशियल किन कंडीशंस में नेगेटिव हो सकता है, कोई है आइडिया आपको? और बाकी जो आपका है पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑफ द कंडक्टर, नहीं, ये दोनों ही बातें ठीक नहीं है, बिकॉज आपका जो पोटेंशियल है पुत्र, ये लिखा ही पड़ा है, दोबारा क्या लिखना है इसको, पोटेंशियल आपके पास आ गया 1/4πε0Q/R, ये जनरल फॉर्मूला है आपका। तो डियर चिल्ड्रन, पोटेंशियल तो आपका डायरेक्टली चार्ज पे भी डिपेंड करता है
और बेटे चार्ज की नेचर पे भी डिपेंड कर ही रहा है, वो हमने नेगेटिव निकाला ही है। और दूसरी बात जो उन्होंने दी हुई है रीजन की जो आपका पोटेंशियल है इट डज नॉट डिपेंड, ये भी बात ठीक नहीं है। तो आपके दोनों ही इनकरेक्ट हैं, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो भी आ जाए। ठीक है जी। टू ए मेटल वायर ऑफ डायामीटर कैपिटल डी, डायामीटर कैपिटल डी है एंड लेंथ एल, टू ए मेटल वायर ऑफ डायामीटर डी एंड लेंथ एल, व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज डबल्ड, आप वोल्टेज को डबल कर रहे हो जी, राइट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेट्स डबल्ड। वो कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो रही है। बेटे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल के साथ और आपकी वायर की लेंथ के साथ और डायामीटर के साथ कोई रिलेशनशिप आपको याद है? वी ड्रिफ्ट जो है इट इज इक्वल टू माइनस ई इनटू टाउ अपॉन क्या होता है, एम ही होता है ना, ऐसा ही है, होगा नहीं, ऐसा ही है। और आपका बेटे ई जो है आप इसको वी अपॉन एल लिखा करते हो, लिखा करते हैं, इसका मतलब है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन गया माइनस ई इनटू योर पोटेंशियल टाउ एम एंड एल, कुछ ये बन गया। और एल बीइंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर आपके पास है रिलैक्सेशन टाइम, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन एंड रिलैक्सेशन टाइम टाओ जो है ये लेमडा अपॉन बी आर एम एस या सी आर एम एस आप कह सकते हो, लेमडा इज द पाथ बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, इसको आप मीन फ्री पाथ कहा करते हो। वो क्या कहना चाहते हैं, टू ए मेटल वायर ऑफ डायामीटर डी एंड लेंथ एल, व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज डबल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेट्स डबल्ड, रीजन फॉर ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज व्हेन द लेंथ इज डबल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी हाफ बट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायामीटर, फॉर ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज When the length is doubled, drift velocity will be halved. तो length double करने पे drift velocity तो half हो रही है, ये बात तो ठीक है, और independent of the diameter वाली बात भी ठीक लग रही है, लेकिन जो assertion है वो थोड़ा अलग लग रहा है। To a metal wire of diameter d, length l, when the applied voltage is doubled, drift velocity gets doubled. ये भी ठीक ही लग रहा है, तो दोनों ठीक ही लग रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है ना बेटा? तो आपका असर्शन भी ठीक लग रहा है, रीजन भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, दोनों ठीक लग रहे हैं, राइट? नहीं, उन्होंने बेटे देखो उन्होंने मैग्नीट्यूड वाइज बात की है ना, उन्होंने वो बात की नहीं है। जब भी हम बेटे ऐसी बात करते हैं, अगर आप ऐसे वेक्टर डाल भी देते हो ना, तो इसका मतलब यही होगा कि आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं, राइट बेटे? और मोर ओवर जब भी आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हो, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑलरेडी अपोजिट ही होता है इलेक्ट्रॉन्स का मोशन। देन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए मेटालिक वायर इज इंक्रीज्ड इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है बात की नहीं? बिल्कुल ठीक है, बिकॉज मेटल्स के लिए टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा पॉजिटिव होता है, और आप जानते हैं आर एट ए टेम्परेचर टू टी टू इज आर एट ए टेम्परेचर टी वन प्लस अल्फा आर वन टी टू माइनस टी वन, आपको याद है पुत्र? तो ये नहीं है तो देख लेना एक बार इसको आपने बेटा, बिकॉज मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव है, आपका जो रेजिस्टेंस है एट ए हायर टेम्परेचर इट विल बी मोर बेटे, और ये बात ठीक लिखी गई है। मैं एक मिनट में रिपीट कर दूं पुत्र, मैं व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए मेटेलिक वायर इज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, ये बात ठीक है। रीजन पुत्र इसका है
as the temperature is increased, average relaxation time increases. एक मिनट देखिएगा, रिलैक्सेशन टाइम टाउ होता है, ये आपका पाथ लेंथ अपॉन सी आर एम एस होता है, और एज द टेम्परेचर इंक्रीज्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता नहीं है, वो कम हो जाता है, कोलिजन फास्ट हो जाती है ना बेटा? ये इसका रीजन ठीक नहीं लग रहा है, असर्शन ठीक है। ठीक है पुत्र, जब भी आप एक मेटल के वायर का ये क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं तो ये आपके चॉक्स डस्ट आर डाल रहे हैं काफी, तो ये टेम्परेचर बढ़ने से कोलिजन ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगी बेटा। हाँ चाहिए तो ऐसे बहुत कुछ, आप ऐसी चिंता मत करो, विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग विल बी फाइन ट्यून, डोंट वरी। राइट बेटे, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड डाउन, जस्ट वेट एंड वॉच। राइट जी, असर्शन। हाँ जी, नहीं नहीं बेटे, ये तो चलती रहनी, कभी खत्म थोड़ी होती है, बच्चे बदलते जाते हैं बस, आप चले जाओगे आपकी आगे वाली क्लास आ जाएगी। कोई बात नहीं बेटे, डोंट वरी, आगे चलते हैं। इसमें आपका असर्शन ठीक है बट रीजन जो है वो ठीक नहीं। ठीक है जी, असर्शन, पोटेंशियोमीटर कैन एक्ट एज एन आइडियल वोल्ट मीटर, कर सकता है। ठीक है जी, होता ही है पोटेंशियोमीटर। बेटे देखो, आप ऐसे नहीं पूछना चाहिए आपको क्या होता है भाई। पोटेंशियोमीटर का मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूं, ये आपका सुन लो बेटे, कोई बात नहीं, जब आप लैब में जाते हो एक वुडन बोर्ड है, इसमें 100-100 सेंटीमीटर के फोर फोल्ड होते हैं वायर के। ठीक है जी, इसको पोटेंशियोमीटर आप कहते हो, और कल हमने काफी डिटेल में बात की थी ऑक्सिलरी सर्किट वगैरह के बारे में, बैटरी, कल तो आपने प्रैक्टिकल भी किया था, एमीटर, रियोस्टेट, एंड दिस इज द की, और आप ऐसे कनेक्ट कर रहे थे, ये पार्ट आपका जो है ये पोटेंशियोमीटर बेटे कहलाता है। समझ आ गई पुत्र बात? ठीक है जी, और बच्चों एक बात याद रखिए, जितनी ज्यादा इसकी लेंथ होगी उतना ज्यादा इसका सेंसिटिविटी होगा, और बिल्कुल जी बिल्कुल, और रीजन आपको दिया गया है, एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बेटा। बिल्कुल ठीक बात है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं। सो आपका असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, ये तो बात हम बेटे जनरली करते ही आ रहे हैं। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो, आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट होता है, ये बात आपको अपने माइंड में वैसे ही रखनी है। देन असर्शन लास्ट है ये आपका, इंसुलेटर्स डोंट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, बिल्कुल ठीक बात है, कोई गलत नहीं है। रीजन, इंसुलेटर्स हैव नो फ्री चार्ज कैरियर्स, बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है, उसमें फ्री चार्ज कैरियर्स ही नहीं है। ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और देन इसके बाद आपके पास है, हाँ नहीं बेटे देखो, जब भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं ना, उन्होंने हरेक पार्ट ऑफ द सिलेबस को कवर तो करना है ना, ये तो जज करना है कि बच्चों को सारा जो है कंटेंट मैटर आता भी है कि नहीं आता। राइट, तो व्हेन सीबीएसई विल बी हैविंग द एग्जाम कंडक्टेड, तो आपका कोई भी जो सिलेबस का पार्ट है वो कोशिश करते हैं कि अनटच ना छोड़ा जाए, बच्चों को असेस करने के लिए सारे का सारा सिलेबस अच्छे से देखा ही जाता है। टू चार्जेस 5 × 10 डेज पर -8 कूलम एंड 3 × 10 डेज पर -8 कूलम आर 16 सेंटीमीटर अपार्ट,
फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम वेयर द पोटेंशियल इज जीरो. बेटा ध्यान दीजिएगा, दो चार्जेस हैं, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है. इट इज 5 10^-8 कूलम एंड इट्स 3 10^ ये बेटे माइनस है कि प्लस ही है, ये देख के बताना जरा. हाँ 8 ही है, नहीं माइनस नहीं है ना, प्लस 8 कर देते हैं, प्लस 8 कूलम. काफी बड़े चार्जेस दिए गए हैं आपको, इनके बीच में सेपरेशन बच्चों 16 सेंटीमीटर्स का है. राइट बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम वेयर द पोटेंशियल इज जीरो. इनको ज्वाइन करती हुई लाइन जिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है वो आपको निकालना है. दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं बेटे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है. दोनों की वजह से पोटेंशियल आपका जो होगा बेटे वो तो अगर हम ना भी सॉल्व करें हमें एट ए वन सिंगल साइड लगता है कि इंफिनिटी पे जीरो होना चाहिए. राइट, अदरवाइज एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तब तो आप कह सकते हो कि इन दोनों का पोटेंशियल निकाल कर आपने ऐड कर लिया, पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा लिया आपने और उसमें से आप फिर एक्स की कैलकुलेशन कर लेते हो. अगर मान भी लें कि हमारा पॉइंट पी यहाँ पे है, ये 16 सेंटीमीटर है, लेट इट बी एक्स एंड द रिमेनिंग विल बी 16 - x बेटा, तो आप 1/4πε0qx एंड 1/4πε0q/16 - x इन दोनों को ऐड करके जीरो कर दोगे. राइट, अब आपका दोनों चार्जेस बिकॉज पॉजिटिव हैं तो 1/4πε0 या k कह लो, इसको एक ही बात है, एंड 5 10^-8 डिवाइडेड बाई आपका x प्लस 1/4πε0 3 10^8 अपॉन ये बेटे 0.16 - x कर देता हूं मैं, मीटर्स में कर देता हूं, इसको जीरो कर देंगे बेटा. इसमें ये तो जीरो हो नहीं सकता आपका, ये तो चीज जीरो हो नहीं सकती है. और आप कह सकते हो कि 10^8 अपॉन 4πε0 एंड इट्स 5/x एंड इट्स प्लस 3/0.16 - x शुड बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज ये जीरो नहीं है, इट विल हैव टू बी जीरो. 5/x प्लस 3/0.16 - x विल हैव टू बी जीरो. तो इट इज समथिंग बाई एक्स है, ये तो जीरो तभी होगा अगर आपका डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाएगा, अदरवाइज तो नहीं हो सकता बेटा ये आपका. राइट, अदरवाइज अगर आपको एग्जैक्ट सॉल्व करना है तो यू कैन जस्ट टेक इट टू द अदर साइड, आपके पास आ जाएगा 3/0.16 - x, दिस इज 5/x बेटा, तो इट विल बी 3x इज इक्वल टू 0.8 - 5x बेटा, एंड इट्स 8x इज इक्वल टू 0.8, x इज इक्वल टू 0.8/8, 0.1 के करीब कुछ बन रहा है, तो ये चेक कर लीजिएगा कौन सी ऑप्शन आपके पास आ रही है. राइट, आपको बता दिया है, मेथड बता दिया है, दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल आप निकाल कर उसको जीरो कर दीजिए. यस बेटे, कोई है पॉइंट इसमें? इसको मैं इधर ले आया उठाकर, कौन सा माइनस थ्री हो जाएगा? एक मिनट, लेट मी री सॉल्व रादर. ये था आपका, इसको इधर ले गए थे, ये माइनस हो जाना था, ये कह रहे हो आप, है ना? ये हो गया या ये हो गया, एक ही बात है आपका. माइनस का 3x, ये कह रहे हो आप, माइनस साइन इसके साथ अटैच किया, इट इज बेटे 0.8 प्लस, नहीं माइनस ही आएगा, 5x, यही कह रहे हो, ऐसे कर दिया हमने.
2x 0.8, बिल्कुल ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक है, वहां पे साइन का फर्क पड़ गया था, राइट। 40s बेटे। नेक्स्ट वाला है, हॉलो कंडक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड इंसुलेटर्स, फेराडे केजेस, डाइपोल्स, कैपेसिटर्स। फेराडे केजेस। इफ ए चार्ज क्यू इज सप्लाई टू ए मेटेलिक कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेम इनसाइड इज सेम एज ऑन द सर्फेस, नो सेम नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इज जीरो, कॉन्स्टेंट होता है, जीरो नहीं होता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सर्फेस इज जीरो, ये बात भी ठीक नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इज कॉन्स्टेंट, ये ठीक है बात नहीं। पुत्र एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स या वी बाई एल, जो भी कहते हो, आपका फील्ड इनसाइड जीरो होता है तो डी वी बाई डी एक्स आपका जीरो है तो वी आपका कांस्टेंट नहीं हो गया? इंटीग्रेट कर दीजिए ना इसको आप। गिवन ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लेबल्ड एज 8 माइक्रो फेरेड 250 वोल्ट, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द कैपेसिटर्स नीडेड टू गेट एन अरेंजमेंट इक्वल टू 16 माइक्रो फेरेड एंड 1000 वोल्ट। तो ये कॉम्बिनेशन आपको करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, पैरेलल में लगाओगे कि सीरीज में लगाओगे, और मिनिमम आपको कितने चाहिए इतना 1000 वोल्ट का करने के लिए मिनिमम नंबर, राइट बेटे? पैरेलल में आपकी वोल्टेज सेम रहती है, सीरीज में आपका चार्ज सेम रहता है, इसी चीज का ध्यान रखना है। जब आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हो आपका पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स सेम रहता है, और जब आप बात करते हो, ये बीच में कुछ मैसेजेस आपके आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है, बाद में देख लेना। बाई इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर पोटेंशियल ग्रेडियंट विल इंक्रीज, नो इट विल डिक्रीज, पोटेंशियल ग्रेडियंट विल डिक्रीज, ये ठीक हो गया आपका। थर्ड ऑप्शन है पोटेंशियल ग्रेडियंट रिमेन सेम, नो, एंड पोटेंशियल विल बिकम लेस सेंसिटिव, नो इट विल बिकम मोर सेंसिटिव। फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को आप पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हो, तो बेटे वी अपॉन एल आपका जो है, जैसे जैसे एल बढ़ेगा वी अपॉन एल आपका कम होगा, राइट। ये एक डायग्राम आपको दिया गया है, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इन द गिवन सर्किट, ये आपका करेक्ट है। ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू डीसी सर्किट्स, हाई करंट्स, स्मॉल रेजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज मोबाइल मॉडेम जॉयस्टिक ऑल ऑफ दीज। हाँ, मोबाइल कैसे होगा भाई? एग्जाम्पल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज जॉयस्टिक कैसे? हाँ, नहीं नहीं बेटे ऐसी बात तो नहीं है, हमें अपना आंसर जस्टिफाई भी तो करना पड़ेगा ना, हम जॉयस्टिक को कैसे कह सकते हैं? हाँ, ये चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मैं कुछ भी कहना चाहूंगा, राइट बेटे? केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं आगे आपके, और ये आपके ठीक ही हैं सारे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू बेटा।